असलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मोटिवेशन को इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड और कंटेंट डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उसकी बैकग्राउंड उसे मोटिवेट करती है कि वो वो चैलेंज या मिशन जो है उसको अडॉप्ट करे और उसको ले के चले और उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके या अचीव कर सके ये बैकग्राउंड जो है ये क्या चीज़ है बैकग्राउंड के हवाले से ज़्यादातर स्कॉलर्स जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हैं वो एग्री करते हैं कि इट्स अबाउट एन एंटरप्रेन्योर्स सोशलाइजेशन एंड रेजिंग कि किस तरह उसकी परवरिश हुई है किस तरह उसकी सोशलाइजेशन हुई है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एक इंसान की परवरिश और उसकी सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बहुत ही जर्नल से उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं आप फेमिलियर होंगे मसलन फैमिली फ्रेंड्स रिलीजियस लीडर्स एंड टीचर्स वो लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं सारा वक्त आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन से डिटामिन होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर प्रोबेबली कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एंटरप्रेन्योरियल होगी या उसकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉग सेंस ऑफ वॉल्टियरिज़्म होगी या लोगों की हेल्प करने का जो कल्चर uh, है वो आम होगा या वो ऐसे लोगों में उठता बैठता होगा उसके फ्रेंड्स इस किस्म के लोग होंगे जो वॉलन्ट्री वर्क करते हैं किसी मुश्किल में लोगों के काम आते हैं कम्युनिटी में अपना रोल जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने रिलीजियस लीडर्स और टीचर्स से इंस्पायर्ड होते हैं उनकी टीचिंग्स बात इस तरह क्लिक करती हैं इस तरह उन्हें गाइड करती हैं कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा उनकी ज़िंदगी में उनके साथ रहती हैं और जब भी मौका मिलता है वो उनको अप्लाई करते हैं इसी तरह पर्सनल करेक्ट्रस्टिक्स हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स में कुछ जो उनको मुमताज़ करते हैं एक आम इंसान से फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसिटिविटी टू द इश्यूज़ हम सब हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मसाइल हैं उनमें से कुछ मसाइल का ताल्लुक हमारी अपनी ज़ात से या हमारे प्यारे लोगों से है लेकिन हम सब उस तरह से रिएक्ट नहीं करते कि हम उनको एक मिशन बना के ले के चल पड़ें कि हमने इनको सॉल्व करना है हमने इन लोगों को जो है आसानी फ्राहम करनी है ख़ास तौर पर जब प्रॉब्लम्स इतने बड़े लेवल पर हों कि पूरी कम्यूनिटीज़ और सोसाइटीज़ अफेक्ट हो रही हों जैसे इल हेल्थ है जैसे इल लिटरेसी है जैसे पॉवर्टी है ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जो पर्सनल करेक्ट्रिस्टिक्स हैं सेंसिटिविटी और अल्ट्रुजम के वो ज़्यादा एक आम इंसान से एक एवरेज इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव हैं सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ और अल्ट्रोस्टिक हैं मतलब सेल्फलेस हैं कि ये प्रॉब्लम चाहे मुझे एफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको हल होना चाहिए इससे लोगों को आसानी मिलनी चाहिए तो इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो उनके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसी तरह सोशल इंटरप्रेन्योर्स जनरली वो लोग हैं जिनका राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अमूमन जो मॉरल ट्रेनिंग है उनकी जिसको आप कह सकते हैं वो इस तरह हुई होती है कि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है क्या ठीक है क्या गलत है ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना है और उस पर कायम रहना है ये चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं जब कभी वो कोई सोशल प्रॉब्लम या कोई इशू देखते हैं कि अगर ये कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसको गलत कहूँ और मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँ तो ये जो सेंस ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस है ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है ये उनकी बैकग्राउंड में अगर शामिल होती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे इसी तरह एम्पथी है एक चीज़ होती है सिंपथी कोई दुखी है कोई परेशान है आप कंधा पेश करते हैं वो भी रोता है आप भी रोता है अल्ला खैर सला एम्पथी जो है वो चीज़ है कि जब आप ना सिर्फ किसी के दुख में उसके साथ सिंपथाइज करते हैं उसके साथ हमदर्दी करते हैं बल्कि एक्चुअल एफर्ट करते हैं इन प्रैक्टिस कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उसका दुख कम हो सके उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके तो उस चीज़ को हम एम्पथी कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स महज सिंपथाइज़ नहीं करते उनकी बैकग्राउंड में ये चीज़ शामिल होती है कि सिंपथी या हमदर्दी जुबानी काफ़ी नहीं है अगर आप कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए तो वो बचपन से सीख के आए होते हैं कि लोगों के लिए कुछ करना है इसको हम एम्पथेटिक पर्सनालिटी कहते हैं ये उनका जो बैकग्राउंड करेक्टर है ये भी एक मोटिवेशन है उनके सोशल एंटरप्रेन्योर बनने में इसके अलावा एक स्ट्रॉग सेंस ऑफ जस्टिस होती है सोशल एंट्रपनीस के अंदर कि इंसाफ होना चाहिए चीज़ें ठीक होनी चाहिए जो ना या जो माशरती हमवारी या गैर बराबरी या अदम मसावत है वो जिस भी वजह से है वो स्ट्रक्चरल रीज़न्स हैं वो लोगों की चॉइसेस हैं वो लोगों के गलत फ़ैसले हैं याशरे में जो तकसीम ऑलरेडी चली आ रही है उसकी वजह से है उसको किसी न किसी लेवल पर टैकल किया जाना चाहिए उसको हैंडल होना चाहिए थ्रू आउट उनकी लाइफ में ये चीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली एनग्रेंड होती है और यह बैकग्राउंड उनको हेल्प करती है कि जब वो कहीं कोई अनजस्ट प्रैक्टिस देखते हैं तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं अपना एंगर जो है उस नासाफ़ी के ख़िलाफ़ उसको चैनल करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में ताकि उस मसले को हल किया जा सके एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स का प्रीवियस एक्सपीरियंस एज़ एंटरप्रेन्योर जो है वो अमूमन उनकी बैकग्राउंड में शामिल होता है उनके सोशल एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में एंटर होने में ख़ास तौर पर वो लोग जो कामयाब बिज़नेसमैन रहे हों बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स रहे हों उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब वो एक ख़ास हद तक मुनाफा कमाने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी में इस्टेबल होते हैं सक्सेसफुल होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि उन्हें माशरे के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए ये सारा कुछ जो उन्हें मिला है उसमें से कुछ उन्हें रिटर्न करना चाहिए या अपनी जो उनके पास एक्सेस वेल्थ है उसको अच्छे कामों में करना चाहिए खर्च तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है एज एंटरप्रेन्योर एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर सक्सेस का वो फिर चैलेंज लेने में उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है सोशल प्रॉब्लम है बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन दे हैव द कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी एंड एफिकेसी वो कैपेबलिटी के जिसके ज़रिए से वो समझते हैं कि वो उस मसले को हल कर सकेंगे तो वो उन्हें मोटिवेट करता है कि वो सोशल इंटरप्राइज जो है उसको इनिशियट करें किसी मिशन को जो है अडॉप्ट करें और उसको हल करने की या अचीव करने की कोशिश करें थैंक यू